मजलूमियत का अंदाज अलग है।
बेटे की मासूमियत यह है कि जनाजा पड़ा रहा और मां की मासूमियत यह कि 40 पले बनाए, 40 खबरें। अरे 40 खबरें बनाना और मेरा पढ़ देना आपका सुन लेना आसान है। अरे मैं मसाइल पे नहीं जाऊ, लेकिन दर्द के युग में आपके सवाल के जवाब को शेयर करते, इसलिए जाहिर बात है मैं एक घंटे डेढ़ घंटे की तकरीर कर दूं, उसके बाद आप बहुत खुश हो जाए, तमाम चीज बहुत कुछ पढ़ गए, लेकिन ऐसा मसला है कि अगर अवेयरनेस ही ना हो, फातिमा शनास ही ना हो, तो फिर उसके बाद मेरी तकरीर का फायदा ही करो। और फातिमा शनासी इतनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी मुसलमान से पूछो कि सूरह कदर क्या है, हमारे नजदीक कितनी तारीख है शबे कदर की, कितनी डेट्स है 19, 21, 23, 19, 21 डेट्स। हमारे रमजान इस्लामी की कितनी है 21, 23, 25, 27, 29, 5 सब के सब कहेंगे
मिलेगी। तमाम तहरीक का जो मरकज है उस मरकज को क्या कहते हैं? अभी वो फातिमा तो फिर लबैक का फातिमा, लबैक का जवाब यही है ना। तो मेरी गुफ्तगू कहां से कहां चली? इतनी बड़ी ताकत है फातिमा, इतनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी ताकत कि जिंदा है तो रिसालत की पुष्ट बना है। अभी उर्दू का लफ्ज़ जाया कौन है? रिसालत की पुष्ट बना है। आपको दो तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है, अगर मेरे साथ कहें तो महसूस होंगे एक दूसरे के साथ। आपको दो तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है, एक आपके आगे और एक आपके पीछे। साथ है जो आगे होता है उसको कहने के लिए भाई इतनी जबान बोल दो सीना सीना सिपर होना कहते ना, यानी सीना सिपर होना क्या कि जंग के मैदान में जब कोई फौजी जाता है ना एक तलवार लेता है। तलवार किसकी होती है? अटैक करने के लिए। सिपर किसकी होती है? सामने से जो हमला होगा रोकने के लिए ना। लेकिन सिपर कितना रोकेगी? इतनी ही बड़ी सिपर होगी जितनी आपके हाथ में आ सके। अली तारीख में एक ही है, अली तारीख में एक ही है कि वो अगर उखाड़ दे दर खैबर को तो फिर उसके बाद वो दर खैबर के जिसे 40 लोग बोलते हो अकेला अली दर खैबर उखाड़े और दो उंगलियों को बुलंद कर दे। घर में सुख
कलीमाई गुनाह दे दूंगा। तो अगर वह सुकून फातिमा की चादर और फातिमा का घर है, तो जिस जिस घर में फातिमा का जिक्र होगा मोहम्मद को सुकून मिलता है। जिस जिस जगह पर फातिमा का जिक्र होगा मोहम्मद का सुकून मिलेगा। जहां फातिमा की चादर की बात होगी मोहम्मद का सुकून मिलेगा, जहां फातिमा की औलाद की बात होगी मोहम्मद का सुकून मिलेगा। तो यही फायदा होगा। अब ये दुनिया के बारे में सीना सीधा वाली पुष्पा फातिमा आगे से जो बचाएगा मोहम्मद को वाली जो पीछे समझा होगा जो नबी जी कभी जो सारी साजिशों हो रही थी उन साजिशों को जो खत्म कर रही थी उस जात का नाम था फातिमा। तो पुष्पा, लेकिन क्या आज भी फातिमा पुष्पा है? क्या आज भी अली सीना सिपा है? जी आई सुनिए, आज इस तरह से हजरत अली सीना सिपा है कि जब दीन और मुसल्ले इतने तकसीम हो गए मुसलमानों के, किसी ने 100 साल के बाद अपनी मर्जी का मुसल्ला बना लिया, वो जो है किसी ने 150 साल के बाद अपनी मर्जी का मुसल्ला बना लिया। जब लोग अपनी अपनी मर्जी के मुसल्ले बना रहे थे, अपनी अपनी मर्जी की तफसील कर रहे थे, ऐसे में अली ने क्या किया, मोहम्मद के मुसल्ले को खुद संभाला। जाने लगे तो हसन के हवाले किया, हसन जाने लगे तो हुसैन के हवाले किया, हुसैन जाने लगे तो इमाम सज्जाद के हवाले किया, इमाम सज्जाद जाने लगे तो इमाम वाकिद के हवाले किया, इमाम वाकिद जाने लगे तो इमाम सादिक के हवाले किया, इमाम सादिक जाने लगे तो इमाम काजी के हवाले किया, इमाम काजी जाने लगे तो इमाम रजा के हवाले किया, इमाम रजा जाने लगे तो इमाम तकी के हवाले किया, इमाम तकी जाने लगे तो इमाम नकी के हवाले किया, इमाम नकी जाने लगे तो इमाम हसन अस्करी के हवाले किया, इमाम हसन अस्करी जाने लगे तो इमाम जमाने के हवाले किया, इमाम जमाने
आप बताइए हमारे घरों में बच्चे और
के फातिमा के कद को देखा, इतना बुलंद हो गया, वहां खड़ी होकर बात कर रही है जहां फातिमा का रब नबी को एक मतलब तसल्ली दे रहा था, इतना शान है कहो अल्लाह हे पैगंबर तुम्हारा दुश्मन नाकाम हो जाएगा। खुदा के घर में फातिमा ने एक मतलब कहा, हे बाबा आपका दुश्मन नाकाम हो जाएगा। ने काफी बाबा को तसली दे दी। ढाई साल अब जब बेटी वहां पहुंच जाए, अच्छा एक चीज और बता दें, एक जिस्मानी कद होता है और एक अमली कद होता है, बात मुश्किल नहीं हुई गई। एक इंसान का फिजिकल उसकी हाइट होती है और एक इंसान की रूहानी स्पिरिचुअल हाइट तो होती है, लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन यानी दैट वाज़ दी हाइट ऑफ दी नाव से लेना जो थी वो उनके कंट्रीब्यूशन की, उनके एफर्ट की, उनकी से यानी मैं कहूंगे सैक्रिफाइस ऑफ हाइट जो नाव से लेना। अगर मैं शायद तर्जमा करने में कामयाब हुआ जो सैक्रिफाइस ऑफ हाइट इतनी बड़ी है कि फातिमा खाने काबा के सामने खड़ी होकर कह रही हो बाप का सही हाल बच्चों को ना हो, अपने बच्चों को ना है, तुम अपनी औरतों को ना हो, अपनी औरतों को ना है, तुम अपने
son l'uomo la persona. Adesso mobile che avanti Germany a quei badate tali. Mobile no hiri no dare. मोबाइल के बाद नदी ने तो जंग नहीं लड़ी है, लेकिन मसला है कि तमाम जगह जो लड़ी जा रही थी उसमें सीरत पर कौन था? अली थे ना। अब क्या हुआ, अब आगे जो जंग होगी फिक्र की होगी, तवज्जो रहे, अब आगे जो जंग होगी अकीदे की होगी, अब आगे जो जंग होगी फिक्र और अकीदे की होगी, इसलिए क्योंकि इस्लाम में तफरका होगा। लिहाजा अब अली ने अभी तालिब को क्या कहा, कि अली पीछे चले जाने दे, अली के बाद सीना से तब हसन हुसैन कौन आए, तो नबी आपके आगे आगे हसन हुसैन होंगे, तो अली सीना से तब थे, अब अली की जगह हसन ले रहे हुसैन। लेकिन कुछ बना बन के फिर फातिमा आई, देखा आपने, कुछ बना बन के फिर फातिमा आई, नबी के पीछे कौन है, फातिमा। और मैंने एक मौका देखा, मेरा जुम्मन अक्सर जाहिर ना करना, मैंने आपको तमाम तारीख के एक एक झरोके से गुजार रहा हूं ना। फिर पुष्पना तुझे फातिमा आई, तो रिसालत की पुष्पना नहीं फातिमा, फिर उसके पीछे अली है। मुख्तलिफ गोशे आपने इसे सुने मोबाइल के, मैं गुनाह पाए वाले कह रहा हूं, मोबाइल के दिन अली इसमत के पुष्पना बने, लेकिन फातिमा ने कहा अली आज तुम मेरे पुष्पना हो, बाबा के बाद वह करीब वाला, जब तक जिंदा रहूंगी मैं तुम्हारी पुष्पना हूं, विलायत की पुष्पना होगी, खत्म हो गई। मैंने बात कहां से कहां पहुंचाई, 1925 बकी को डिमोलिश कर दिया गया। फातिमा ने हर जमाने में नबी का दिफा किया, पुष्पना है। अब वो सबूत सुनो, 1925 और असम तो तारे की तरह से अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, भाई मुसलमानों के हैं, हदीस मशहूर है, साबित कर दूं, नबी ने कहा कि असाब में तारे की तरह, और तारों के सिलसिले में जो लोग तारों की तारीफ करते हैं, तारे अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, और बाद इतने खतरनाक होते हैं हिंदी में भी दिखा देते हैं लोग, सलवात करेगा बाबा आज होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान में तकरीबन लोगों में बेदारी मसले ज्यादा होती है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ी
कहीं कहीं लोगों ने बड़े मुजाहरे उजाहरे किए का गुंबद खजरा को गिरने ना देंगे। अब मुझे कहने दो ना कि फातिमा आज भी रिसालत की पुष्पना है, फातिमा ने अपना हरम तो गिरने दिया लेकिन नबी के सब गुंबद को गिरने नहीं दिया। यह फातिमा पुष्पना। मैं आपने आपके सवाल के जो जवाब थे दो दिनों में देता हुआ बात सब कर दूं क्योंकि मजाक का होगा। जनाब सीधा मजलूम यह है कि तीन तारीख कि इस मजलूमियत में हम एक दूसरा पहलू देखते हैं वो क्या है कि हम तीनों तारीख में फातिमा का गम मनाए, तीनों तारीख में फातिमा का गम मनाए ताकि दुनिया को जालिम का चेहरा मालूम हो जाए, दुनिया को अच्छा ये ध्यान रहे जितना फातिमा का तस्करा होता रहेगा तो तारीख में जो खयानतें हुई हैं वो खयानतें लोगों के सामने आएंगी, जो जुल्म हुआ वो जुल्म सामने आएगा और जितना तस्करा हो फातिमा का तो उसमें बार बार बताने की जरूरत है नबी की एक ही बेटी थी, एक ही बेटी थी, एक ही बेटी थी, ये सब बताने की जरूरत है। तीन कॉपी का बाकी है क्या करें माजा रखते हैं कहां पर क्या रियाजुल जन्ना में का वहां से रखते हैं कहां फातिमा अपने हुजरे में दफन है वहां जा अकीद के घर में वहां ये चार मशहूर है तीन तो बहुत ज्यादा लिखी चौकी लेकिन कितनी खबरें बनाई कहेंगी आप सब पीटो मेरे साथ सीना पीटो में जो पढ़ रहा हूं 40 खाब है बाजी रानी रानी 40 खाब है जब पूरा मदीना नबी की बेटी के साथ नहीं है मुखालफत कर रहा है अली से फातिमा ने कहा ए अली तुम मुझे बोल दोगे ए अली तुम मुझे अल्लाह अकबर मैं ये सोच रहा हूँ अरे कितना सख्त अली के लिए कि एक दोपहर में एक हुसैन है जो 72 लाशें लेकर आया 71 लाशें लेकर आया अरे कहीं इब्न अबी तालिब ने मदीने में एक कब यहाँ बनाए फातिमा की मैं तो कब लोग आदमी नहीं सकता ना बीवी को मुझमें इतनी भी ताकत नहीं थी ना लेकिन हाय मेरा मौला अरे एक भी 40 कब बनाई एक कब यहाँ Let's go.
سلم أي منقلبي ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره ماتم حسين ماتم کے لئے اپنی صفحیں درست کرنے پرسا دیں اس بیوی کا پرسا رسول کو دیں کہ جس بیوی کی قبر پہ ماتم نہیں ہو پاتا